फरुखाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 1 करोड़ की अफीम भी बरामद हुई है। फरुखाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को धीरपुर चौराहा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 5 किलोग्राम अफीम, 23,000 रुपए नगद, 1 बाइक और 2 फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी झारखंड और यूपी के रहने वाले हैं। एसपी के मुताबिक आरोपी झारखंड और उड़ीसा से अफीम को लाने के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। उम्मीद है कि नशे के गोरख धंधे से जुड़े और भी कई लोग जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एडिशनल एसपी सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में थाना मोहम्मदाबाद और एसओजी टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम कुंजल मुंडा जो कि झारखंड का रहने वाला है और हर प्रसाद जो कि बरेली का रहने वाला है। इनके पास से करीब 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ के करीब है। साथ ही साथ इनके पास 23,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और 1 मोबाइल और 2 मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद हुए हैं और इसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग जो अफीम है इसको झारखंड से और उड़ीसा से प्रिक्योर करते हैं और उसके बाद इसको प्रोसेस करके आगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बेचा करते हैं। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसमें इस नेटवर्क में और कौन लोग इन्वॉल्व है। अगर किसी और व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसमें भी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।